श्रद्धालुओं की मांग के अनुसार विधायक राकेश गिरी ने सागर रोड पर स्थित गोंगा बैर हनुमान मंदिर पहुंचकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी और भाजपा पदाधिकारियों के साथ प्रांगण में विभिन्न विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया। साथ ही मंदिर प्रांगण में चल रहे सुंदरकांड में शामिल होकर धर्म लाभ लिया। सागर रोड पर स्थित गोंगा बैर हनुमान मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पुरानी टेहरी वार्ड वासियों की मांग थी कि मंदिर प्रांगण में विकास कार्य किए जाए, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके, जिसको देखते नगर पालिका और विधायक निधि से सौंदर्यीकरण को लेकर 50 लाख रुपए की लागत से भूमि पूजन किया गया है, जिसमें मंदिर में सड़क निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण, भव्य मुख्य द्वार, पार्क सौंदर्यीकरण सहित विकास कार्यों का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी एवं भाजपा पदाधिकारियों के साथ भूमि पूजन किया गया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। संपूर्ण टीकमगढ़ और पुरानी टिहरी के आस्था का केंद्र गोंगा बैर हनुमान मंदिर पुरानी टिहरी में, काफ़ी समय से पुरानी टिहरी के लोग मांग कर रहे थे कि गोंगा बैर हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण विकास कार्य कराया जाए। इसी को लेकर आज गोंगा बैर मंदिर परिसर में विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का 50 लाख की लागत से भूमि पूजन किया गया है। यह कार्य 3 महीना में पूर्ण होकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा और कार्य प्रारंभ हो गया है और कार्य शीघ्र पूर्ण होगा और संबंधित ठेकेदारों को भी निर्देश दिए गए कि इस कार्य को तीव्र गति से करके इसको पूर्ण करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।